सूरजपुर में पुलिस अब रक्षा से फरार आरोपी की मौत का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान खाद्य मंत्री के दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री ने रेणुका सिंह ने कहा है कि मृतक के परिजनों से मुलाकात कर के राज्य पर निशाना साधते हुए कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उन्होंने इसकी मांग की। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको देख रहे हैं किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार पुलिस कस्टडी में बहुत सारे मतलब 8 मौतें हो गई। इन मौतों को देखने के बाद भी यदि सरकार चुप है तो सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, और जो पुलिस की हत्यारी उसे कैसे उम्मीद करें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इसे सीबीआई जांच मांगे। अब यहाँ पर सारे लोगों ने आज तय किया है कि सीबीआई जांच और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दो दिन के अंदर सीबीआई जांच की मांग आंदोलन करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सीबीआई के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच हो। इस बात में कोई शंका नहीं रह गई है, उसका पैर का तलवा कटा है, उसके हड्डियां टूटी है, वो व्यक्ति 300 मीटर दूर दौड़कर जाकर घुटने के बल बैठकर फांसी लगा ले, ये संभव नहीं है। कस्टडी में मौत हो चुकी थी, पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा। ये बार बार मेरी भाभी बोलने लगी कि मिलने दो, एक बार तो मिलने दो, लेकिन मिलने ही नहीं दिए मेरी भाभी को। बोले कि चलान कर दिए, उसको दूसरे दिन पता चल रहा है कि ऐसे हो गया। बाकी हम लोग कुछ निदान के हिसाब चाहिए, कैसे भी हालत से हम लोग इंसाफ चाहिए। देखिए, हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं। पंकज को पुलिस कस्टडी में, उसको पुलिस वाले मार के मरवा दिए हैं। इस संबंध में हम चाहते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो और इस घटनाक्रम में जो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सभी के ऊपर FIR दर्ज हो। केंद्रीय